नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट है मेरे के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर आपको अपडेट के साथ साथ आपको जितने भी TLET के क्लासेस हैं वह और प्लस जितने भी UPTET CTET के क्लासेस कराए जा रहे हैं वह भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री मिलेगा। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रत्यावेदन वाले भाई बहन के लिए। जो प्रत्यावेदन भाई बहन है मेरे, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस के कारण और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन उनको हो चुका है कि मैं जमा करूँ कि नहीं जमा करूँ। सर, लास्ट डेट कब है भाई? लास्ट डेट इसका कब है ये फिक्स नहीं होता है, और ना ही इसका स्टार्टिंग का डेट क्या है ये भी फिक्स नहीं होता। लेकिन इतना लोग कहते हैं, जो पिछले सत्र में देखा गया है कि जब रिजल्ट आ जाता है तो लोग प्रत्यावेदन लेकर जाना शुरू हो जाते हैं, जमा करते हैं SCERT लखनऊ पे। और कब तक इसका लास्ट डेट होता है? जब तक आपका नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म न फिल कर लिया जाए तब तक आप जमा करते रहो। बहुत सारे मित्र हमारे गए भी हैं, जमा भी किए हैं, अब इस बार उनको भी मौका देने के लिए कुछ लोग बोल भी रहे हैं। अब बहुत सारे मतलब कि हमने बात भी किया आपके जो इलाहाबाद के कुछ स्कूल कॉलेज हैं, तो वहाँ से उनको उनके द्वारा पता चला कि वह बाबू से CRT पर बात किए हैं इस बात के लिए। और उनके द्वारा साफ साफ ये बात बोला जा रहा है कि अब ऐसे भी प्रशिक्षु का एग्जाम होगा जिनका किसी एक सेमेस्टर में चांस बचा है और किसी एक सेमेस्टर में किसी और अदर सेमेस्टर में 3 बार बैक लगा, यानी 4थी बार उसमें वो पेपर देने वाले हों। तो इस वजह से बच्चे नहीं दे पा रहे थे, उनका अदर सेमेस्टर में भी बैक था, तो अब दोनों सेमेस्टर बैक वाले भी प्रत्यावेदन जमा कर सकते हैं। अन्यथा कंडीशन में आप सभी प्रशिक्षु जिनको लगता है कि हमें हमारा 3 बार बैक है, 4थी बार चांस मिलना चाहिए, चाहे किसी भी सेमेस्टर में बैक हो ना हो, तो आप प्रत्यावेदन दे दीजिए। आप अपना काम करेंगे और उनका काम होगा कि आपका एडमिट कार्ड रिलीज करना। अब अगर देते हो ना होता है तो यह तो मन में दुविधा नहीं रहेगी ना कि हमने दिया था फिर नहीं हुआ। अगर ना देते हो, मान लीजिए आपके भाई मित्र का हो जाता और आपका नहीं होता है, तो आपको यह लगेगा काश मैं भी दिया होता तो मेरा हो गया होता। तो बस आप दे दो, आपका कर्तव्य है, मतलब काम है, कर्म है आपका देना। आप प्रत्यावेदन जमा करें, चाहे जिस भी सेमेस्टर में बैक हो आपका 3 बार से ज़्यादा है ना, वह दीजिए। अगर अदर सेमेस्टर में भी बैक है तो कोई मतलब नहीं है, आप जाकर जमा कर दीजिए। अन्यथा कंडीशन में वकील, रीट लगाना, रीट फाइल करना, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसमें बहुत लंबा वक्त लगने वाला है। इससे अच्छा एक बार आप दे दीजिए। उनके द्वारा साफ साफ कहा गया है जितने भी प्रशिक्षु प्रत्यावेदन जमा करेंगे उनका जरूर आएगा एडमिट कार्ड। अब यह कन्फर्म नहीं है, उन्होंने इस तरह से बोला है, अब आएगा या नहीं आएगा तो वक्त बताएगा, लेकिन आप लोग अपना काम करेंगे, प्रत्यावेदन जमा कर दीजिए। मिलते हैं रात में 9 बजे एक बहुत बेहतरीन अपडेट के साथ, बहुत ही बेहतरीन साथी। और आप लोग के लिए एक चीज़ और है भाई, जितने लोग प्रत्यावेदन देने जाएंगे उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सिर्फ एक पासपोर्ट साइज़ का फोटो, अभी सुन लीजिए पहले, एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, जितने सेमेस्टर हो चुके हैं उसके नेट वाला वही कॉपी करवा लीजिएगा अपना, मार्कशीट का मतलब रिजल्ट का कॉपी करवा कर, और प्लस एक आधार कार्ड लेकर जाएंगे। और कहीं स्कूल कॉलेज कहीं भी नहीं जाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ SCERT लखनऊ जाना है। आपके डाइट पर भी नहीं जमा हो रहा है, क्योंकि अभी ऐसा आदेश नहीं आया है। अगर आप अपने डाइट पर भी पूछेंगे सर प्रत्यावेदन यहाँ पर जमा हो रहा है, तो साफ साफ बोलेंगे हमें अभी आदेश नहीं मिला है ऊपर से, क्योंकि उनके पास आदेश नहीं है, तो भाई ऐसे नहीं जमा कर सकते। पिछली बार आदेश आया था तो जमा किए थे, इस बार आदेश नहीं है तो नहीं जमा करेंगे। मेरे मित्र, आप सभी लोग SCERT लखनऊ जाएंगे जिनके भी प्रत्यावेदन जमा करने हैं, धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आया हो शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने भाई मित्र को जोड़िए, सब्सक्राइब करवाइए प्लेटफॉर्म को। आप सबके जो क्लासेस हैं वो बहुत जल्द हम स्टार्ट भी कर देंगे, और बहुत ज़्यादा हबड़ाइए मत, और बहुत जल्द ही ख़त्म करेंगे। अगर स्टार्ट कर दिया तो फिनिश करने में वक्त नहीं लगेगा, मात्र 10 से 15 दिन में पूरा सिलेबस कवर कर देंगे हम, सेकंड सेमेस्टर का भी और फोर्थ सेमेस्टर का भी। मेरे मित्र भाई, चलिए आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट, जिससे और मित्र भी इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।